सो है व्हाट्स अप योर फैमिली, दिस इज अंकित। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक होगे और फिट होगे। सो गाइस, आज समझ में आ रहा है क्या है? जी हाँ, ये है एक रिस्ट बैंड, रिस्ट स्ट्रैप्स, जो भी आप अपने एरिया में से बुलाते हो, हम रिस्ट बैंड बोल देते हैं। तो ये है गाइस निविया का रिस्ट बैंड, जो कि अमेजोन पर आपको मिल जाएगा 200 से 250 रुपये का। एंड ये बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत समय से मैं इसे देख रहा हूँ, कम से कम 4 साल 5 साल से तो इसे देख ही रहा हूँ, इस सेम रिस्ट बैंड को बेचते हुए। तो ये जो रिस्ट बैंड है, ये मैंने हाल ही में मंगाया है सिर्फ और सिर्फ रिव्यू के लिए। मैं अभी कोबो का रिस्ट बैंड यूज़ कर रहा हूँ। मुझे कसम से, झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे याद नहीं है कि मैंने उसका रिव्यू किया है कि नहीं किया है। अगर मैंने उसका रिव्यू किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं किया है तो कमेंट, मुझे कमेंट करना कि आपको उसका रिव्यू चाहिए, मैं कर दूँगा। सो गाइस, ये 200 से 250 रुपए में आराम से अमेज़ॉन पर आपको मिल जाएगा, इवन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। मुझे ये मिला सिर्फ 210 रुपए का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अमेज़ॉन की अच्छी खासी सेल चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए। एंड सबसे पहली चीज़ जो कि मैं मेंशन करना चाहता हूँ, मुझे निविया ने इस वीडियो के लिए एक रुपया नहीं दिया है, ना ही किसी और ब्रांड ने। कई लोग कमेंट में कहते हैं कि मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, पेड प्रमोशन करता हूँ। मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक मिनट आपका लेना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको स्किप मत करना। ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं इस चैनल को, मैंने आज तक एक रुपया नहीं लिया है किसी से वीडियो बनाने के लिए। मुझे बहुत ऑफर्स आते हैं, सर इतना पैसा ले लो, ये वीडियो बना दो, ये पैसा ले लो, ये वीडियो बना दो। झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, बटर कोलैबोरेशन एक नाम होता है, एक वर्ड होता है, चैनल पर या फिर गूगल पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब ये होता है, कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट भेजेगी, वो आपसे कहेंगे कि आप इसे यूज़ करो, आपको हम कोई पैसे नहीं देंगे, बस आप अपनी जो राय है इस प्रोडक्ट के बारे में एक वीडियो के थ्रू लोगों को बता दो, ठीक है? तो ये भी एक प्रमोशन का तरीका है। एंड मैं सिर्फ और सिर्फ बटर कोलैबोरेशन करता हूँ गाइस, मैं बहुत अमीर, बहुत पैसे वाला इंसान नहीं हूँ, तो बटर कोलैबोरेशन इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि कुछ प्रोडक्ट मुझे फ्री में मिल जाते हैं एंड उनका रिव्यू करना आसान होता है, नहीं तो मोस्टली मुझे रिव्यूज़ करने के लिए पैसे लगा करके सामान खरीदना पड़ता है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मैंने आप सबको रिव्यूज़ देने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं एंड उस चीज़ को उस प्लीज़ इस तरह से, मेरे लिए वो गाली के बराबर है, आई होप आप समझ रहे होगे। मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, मैं छोड़ो, खैर छोड़ो, आते हैं इस वीडियो पर सीधे सीधे। ये जो प्रोडक्ट होता है गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि काम के साथ है, पुश मूवमेंट्स, जो पुश मूवमेंट्स होती है जिसमें हम वेट को पुश करते हैं, जैसे कि हमारा शोल्डर प्रेस मूवमेंट, बेंच प्रेस मूवमेंट, डंबल प्रेस मूवमेंट, जितने भी पुश मूवमेंट्स होते हैं, यानी कुछ हद तक ट्राइसेप की मूवमेंट्स पर भी ये काम आ जाता है, उसमें हमारे ये रिस्ट बैंड काम आते हैं। काम क्या आता है ये तो आपने पूछा भी नहीं होगा, तो बताता हूँ ना, काम आता है कि हमारे रिस्ट को पहले तो सपोर्ट करता है, साथ ही साथ हैवी लिफ्ट करने में ये हेल्प भी करता है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। तो कुछ टाइम अगर आप जिम जा चुके हो और अगर आप अपने लिए रिस्ट बैंड लेना चाहते हो, तो क्या ये रिस्ट बैंड आपके लिए सही है? क्योंकि बहुत पॉपुलर है, अगर आप गूगल पर रिस्ट बैंड डाल दोगे, अमेजोन पर रिस्ट बैंड डाल दोगे या रिस्ट स्ट्रैप डाल दोगे, फ्लिपकार्ट पर भी डाल दोगे, तो शायद पहले या दूसरे नंबर पर आपको ये दिख जाएगा, क्योंकि पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा बिका है ये। तो आज की डेट में इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि मैंने जब पहले मंगाया था उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है गाइस। सबसे पहली चीज़, इसका जो लूप है, ये जो लूप है गाइस, ये तब भी इसी क्वालिटी का आता था, आज भी सेम क्वालिटी का है। एंड ये जो लूप है गाइस, 3 से 4 महीने के बाद ढीला हो जाता है एंड मज़ा नहीं आता, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिर थंब में पेन होने लगता है। दूसरी चीज़ है गाइस, इसकी थिकनेस, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने 1.5 साल तक निविया का रिस्ट बैंड यूज़ किया था। इन्होंने अपनी थिकनेस बढ़ा दी है मुझे ऐसा लगता है, एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी सही हो गई है और इसकी थिकनेस मुझे लगता है अब अगर मैं खुद भी इसे यूज़ करना चाहूँगा तो ये काफ़ी हेल्प करने वाला है मुझे। मैं इसे एक बार पहन के भी आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी तो ये काफ़ी टाइट है। ओवरऑल मुझे इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी लगी, जिस प्राइस पर ये लोग ये प्रोडक्ट दे रहे हैं वो काफ़ी सही है। एंड हाँ, सच में मैंने इसे अभी पहली बार पहन रहा हूँ एंड ये काफ़ी टाइट एंड काफ़ी थिक फील हो रहा है मुझे, एंड मुझे लगता है मैं अपनी हैवी बेंचेस इससे आराम से कर सकता हूँ। मैं हो सकेगा तो इसे यूज़ करते हुए अपने वीडियोस भी आपको इस चैनल पर दिखा दूंगा, आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने इसे जब यूज़ किया तो ये कैसे मुझे सपोर्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था। बट जिस तरह से इसने मुझे पता है, पकड़ा हुआ है, एंड जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये मुझे काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो अगर आप कोबो एंड बड़े बड़े ब्रांड्स के यूज़ कर चुके हो रिस्ट बैंड, तो इसको तो मत लेना, क्योंकि तब आपको ये मज़ा नहीं देगा। क्योंकि एक और क्वालिटी चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, वो है इसका ये जो वेलक्रो है गाइस, ये भी थोड़ा सा लो हो जाता है टाइम के, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, 8 महीने साल भर बाद इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो हो जाएगी। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात मेंशन करना चाहूँ, कि ये जो इसका फैब्रिक होता है ना गाइस, ये फटता नहीं है, किसी भी ब्रांड का फैब्रिक फट नहीं जाता। उसकी क्वालिटी, उसकी जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है वो इन्हीं दो चीज़ों से होती है, एक उसका ये वेलक्रो जो
चिपकता है एंड उसका ये लूप, यही दो चीज़ें होती हैं जो ख़राब होती हैं, ठीक है। अगर ये ख़राब नहीं होगा तो यार कोई नया प्रोडक्ट लेगा ही क्यों, शायद एक बार लेगा 10 साल फुर्सत हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अब मेरी सलाह क्या है इस प्रोडक्ट को लेकर, अगर आप पहली बार रिजबैंड लेने की सोच रहे हो, आँख बंद करके इसे ले लो, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक नया रिजबैंड लेने की सोच रहे हो, ठीक है, वरिस्ट स्ट्रैप्स लेने की सोच रहे हो, यार जो समझना हो समझ लो, तो भी इसकी थिकनेस अच्छी है, आपको 6 महीने साल भर एक अच्छा सपोर्ट देगी। मैं श्योर भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने इसका जो पहले का यूज़ किया था, 2-3 साल पहले यूज़ किया था, यानी 1.5 साल तक चलाया, मैंने 2-3 साल पहले खरीदा था और 1-2 साल तक चलाया था, साल भर पहले मैंने उसे यूज़ करना छोड़ा, तो उसकी क्वालिटी ख़राब हुई उसके लूप से एंड उसके वेलक्रो से, ठीक है। क्या पता इन्होंने अपने वेलक्रो को अच्छी क्वालिटी में बना दिया हो, लूप बिल्कुल सेम है, मुझे अच्छे से याद है, एकदम वही सेम लूप है, लूप के ऊपर मैं श्योर हूँ, बट हो सकता है वेलक्रो इनका इंप्रूव हो गया हो। तो 200 से 250 रुपये के हिसाब से ये एक बजट फ्रेंडली रिस्ट बैंड है एंड आँख बंद करके आप इसे ले सकते हो। और कोई और ब्रांड का अगर आपको रिस्ट बैंड का रिव्यू चाहिए या कुछ और चाहिए, कुछ भी रिव्यू चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं पैसे जोड़ूंगा और उसे खरीद करके आपको रिव्यू देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, आई होप अगर ये वीडियो आपके काम आई होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी इस प्रोडक्ट को कांग्या, इस प्रोडक्ट को ये डिसाइड करने में कि ये प्रोडक्ट आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो चैनल को सपोर्ट करें, अपने भाई को सपोर्ट करें, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जहाँ पर मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई करता हूँ, अदरवाइज उन डाउट्स पर वीडियोज़ बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।